الرحمن الرحيم the president of the function all the dignitaries my brothers and sisters assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and I know whether my voice is reaching to the last awaaz back tak pahunch rahi hai haath utha ke bataiye good educational vision of indian muslims ये अहम अनुमान मुंतज़िर तालिबे इल्म को सौंपा गया है मैं इसके लिए मुंतज़िमीन का शुक्रगुजार हाजिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ रेफरेंस टू टाइम्स द डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड द कॉपी ऑफ द ईयर 1970 वन ऑफ द कॉपीज वन ऑफ द इश्यूज ऑफ टाइम्स इन द ईयर 1970 टाइम्स ने अपना एक सर्वे किया और उस सर्वे के नतीजे में एक नतीजा अखज किया इफ द सेम सिचुएशन कंटिन्यूज देन वंस अगेन द मुस्लिम्स विल बी एबल टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ऑन होल ऑफ द वर्ल्ड टाइम्स का सर्वे यह था कि अगर हालात इसी तरह से जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं कि फिर एक बार सारी दुनिया पर मुसलमानों का गलबा तारी हो जाएगा जाहिर है कि जिस तरीके से मैं और आप इस बात को सुनकर खुश हो रहे हैं तो कई लोग तशवीश में मुब्तला हो गए और अपनी तशवीश का इजहार उन्होंने अपनी मीटिंग्स में और कॉन्फ्रेंसेस में किया एंड व्हेन दिस बिकेम द पॉइंट ऑफ डिस्कशन विद वेरी हाई लेवल एकेडमिशियंस Then the discussion was to be concluded by the renowned leader of the time, who was most qualified, highly experienced, and a visionary. Not necessary to disclose his designation. He asked one question, and the question was, "Tell me where their children are studying. Are they studying in their madrasas and their own schools, or?" They go for general schools. उनकी तालीम कहां हो रही है मुझे बताओ उनके बच्चों को तालीम कहां दिला रहे हैं मुझे बताओ लोगों ने कहा कि हाँ उनके मदरसे भी हैं लेकिन एक दो तीन परसेंट बच्चे वहां जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ देम दे आर स्टडिंग इन आवर स्कूल्स द टॉप लेवल लीडर सेज मैन गो एंड स्लीप एंजॉय टू जाओ और सो जाओ फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है एज लॉन्ग एज देयर चिल्ड्रन आर बीइंग एजुकेटेड इन आवर स्कूल्स दे कैन नॉट एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इन दिस वर्ल्ड जब तक के उनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कभी अपना तसल्लुक कायम नहीं कर सकते आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं जाओ इतना भी मत सोचो दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन यह है तालीम की कुव्वत जिसकी तरफ मेरे पेशवा मुकर्रर अली जनाब अजीजी डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में रोशनी डाली और उन्होंने एक खास बात अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी की हवाले से पेशेंट्स डाई एट द हैंड्स ऑफ सच डॉक्टर्स बिल्डिंग्स कोलैप्स एट द हैंड्स ऑफ सच इंजीनियर्स मनी इज लॉस्ट At the hands of such economists and accountants, humanity dies at the hands of such religious scholars, and justice is lost at the hands of such judges. The collapse of education is a collapse of a nation. जो इख्तितामी जुमला था वो जुमला ये था कि तालीम की बर्बादी तालीम पर गौर करें आप तो सिवाय इसके क्या हो सकता है कि द सक्सेस ऑफ एजुकेशन इज द सक्सेस ऑफ एनी नेशन और एनी कम्युनिटी एंड मुस्लिम्स आर नॉट एक्सक्लूडेड टू दैट विजन एक ख्वाब है विजन एक सोच है और जब सोच की बात आती है तो हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल पैदा होता हो कि देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ विच देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सराउंडेड टू दिस कम्युनिटी पिछले चंद वर्षों से जिन हालात का हम शिकार हैं
उन हालात में बहुत सारे मसाइल हैं. द कम्युनिटी इज विटनेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. दे हैव बिकम स्पीड ब्रेकर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोच को तज दिया जाए. रेने डिकार्ट ने वही प्यारी बात कही थी कि आई थिंक एंड देयरफॉर आई एम. मैं सोचता हूं इसीलिए तो मैं हूं. अगर सोच भी खत्म हो जाए, ख्वाब देखना भी अगर बंद हो जाए, तो फिर मिलत बाकी कहां रही. हजारहा शख्सियात के मुताले और मुशाहदे के बाद अल्फ्रेड एडलर ने जो बात कही थी वो ये थी कि इंसानों की सबसे ज्यादा हैरतनाक खसूसियत, ताजुब खैस खसूसियत, मुहैयरुल खसूसियत ये है कि वो एक नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की ताकत अपने अंदर रखते हैं. यह है अवाम की तकदीर. हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. मुझे समझना है कि मेरे पास वो कौन सी सलाहियत है कि जिसकी मदद से मैं एक नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता हूं. After 1992, whatever situation we are facing in this country or around the world, across the world, all of our leaders, visionaries, they have consensus. They arrived at consensus, and the consensus is education is the best means of revolution. तालीम ही बेहतरीन जरिया इंकलाब है. अगर ऐसा है, तो फिर जाहिर है कि हमको इस सिलसिले में बहुत वाज़े तौर पर एहतियात करना चाहिए. The points that I would like to include in a dream, this is just a proposal. It is a proposal of a dream. ख्वाब के चंद निकात है जो मैं तजवीज के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं. मेरा पहला पॉइंट ये है कि लेट अस कंसिडर एजुकेशन टू बी द बेस्ट मीन्स ऑफ रिवोल्यूशन. मीडिया अहमियत से इनकार नहीं कर सकते. मीडिया की अपनी अहमियत है. पॉलिटिक्स उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते. पॉलिटिक्स की अपनी अहमियत है. जितने समाजी इदारे हैं, खिदमत खल्क के इदारे हैं, उन सब की अपनी अपनी अहमियत है. लेकिन अगर कोई चीज बहुत ही मौसर जरिए इंकलाब है और साबित हो सकती है तो वो तालीम है. और मेरे ख्वाब का पहला नुकता यही है कि आओ इसको एक ताकत के तौर पर अपनाओ, इसको एक मौसर जरिए के तौर पर इस्तेमाल करो ताकि मुस्तकबिल में इसके जरिए से हम एक इंकलाब पैदा कर सकें. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. द सेकंड वन इज एज माय ब्रदर डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब, टू हूम आई रिस्पेक्ट अ लॉट, आई अप्रिशिएट अ लॉट, ही सेड दैट टुडेज एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम ए लेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन. कि इसका कोई मकसद ही नहीं है, और अगर मकसद है तो बहुत चीप, बहुत सस्ते किस्म का है. कि रोटी के लिए अच्छी तरीके से तैयार करो, रोजगार कैसे कमाया जा सकता है इसके लिए तैयार कर दिया जाए, इतना चीफ मकसद है. मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि माहिरीन ने तालीम के बहुत सारे मकासद पेश किए हैं. एजुकेशन फॉर नॉलेज, एजुकेशन फॉर कल्चर, एजुकेशन फॉर लीजर, एजुकेशन फॉर वोकेशन, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तालीम के बहुत सारे मकासद बयान किए गए. लेकिन मैं अपने ख्वाब का हिस्सा जिस चीज को बनाना चाहता हूं वो है एजुकेशन फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन. दैट मैचेस विद द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन गिवन बाय इस्लाम एंड विच वाज जस्ट डिस्कस्ड बाय माय फ्रेंड्स. जो हमारे फलसफे से बिल्कुल मैचिंग है और वो ये कि वी शुड गो फॉर एजुकेशन फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन. तालीम बराए किरदार साजी, किरदार बनाने के. अब किरदार से मुराद क्या है? जाहिरी तौर पर नामनमूद के लिए, शोहरत के लिए जाहिरी अखलाक का मुजाहरा करना मेरे नजदीक किरदार नहीं है. आई डोंट यूज दिस वर्ड इन सच ए लिमिटेड एंड कन्फाइंड मीन्स. फॉर मी द विजन ऑफ कैरेक्टर इज वेरी ब्रॉड. इस स्कोप इज वेरी ब्रॉड. और वो ब्रॉड स्कोप क्या है? कैरेक्टर मीन्स टू लिसन, टू अंडरस्टैंड वॉट इज गुड. कि क्या अच्छा है, क्या सही है, उसको मैं सुनूं, गौर से सुनूं, उसको मैं समझूं, एंड देन आई शुड डेडिकेट माई सेल्फ फॉर दैट. फिर मैं उसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर दूं चाहे हालात कैसे ही क्यों ना आ जाए. कि अच्छी और सच्ची बात को सुनना, उसको समझना और फिर अपने आप को उसके लिए वक्त कर देना, यह कहते हैं. सो इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन
The aim of education should be character formation, in the sense we should try to train our young generation in such a way that they should live, they should learn to live the life for their commitment, for their mission. They should also learn to die for their commitment. कि वो जिंदा रहें तो अपने मकसद के लिए जिंदा रहें, और अगर उनको मौत भी आए तो अपने मकसद के लिए मौत आए. ऐसा कैरेक्टर फॉर्मेशन हमारा एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए. अगली बात जो मैं अपने ख्वाब में शामिल करना चाहता हूं वो है कि बहुत सारी मसरूफियात हैं जैसे मैंने तस्करा किया, बट लेट अस सेलेक्ट एजुकेशन टू द बेस्ट मींस ऑफ रिवॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट अपॉन इट, कि उस पर हमारी तवज्जो हम मरकूज कर रहे हैं. बहुत सारी मरतबा मेरा मुशाहदा ये है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाना हुआ और मेरा अपना मुशाहदा ये है कि हमारे रुफ़्ताए इकराम इस बात पर मुतमईन हो जाते हैं कि साहब हमने तो अपने बच्चों के लिए, कोई और आए ना आए, पढ़े ना पढ़े, अपने बच्चों की तालीम के इंतजाम के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू कर दिया है. वो हमारे अपने लिहाज से है, हमारे अपने खतूत पर है, दीनी लिहाज से है, और हम मुतमईन. क्या लिमिटेड तसव्वुर हो गया है? आर वी सपोज टू वर्क फॉर आवर ओन चिल्ड्रन ओनली? हु विल टेक केयर ऑफ दीज हंड्रेड्स थाउजेंड्स लाख्स एंड करोड़्स ऑफ द चिल्ड्रन हु आर जस्ट डाइंग because there is no moral training in their educational institutions. Zahir hai ki zindagi bhi koi zindagi hai ki jo akhlaqi qadron ke baghair hai, aur zahir hai ki unko sab kuch mil raha hai, chalte mil raha hai, sab kuch mil raha hai, lekin akhlaqi qadar apne schools mein nahi mil rahi. Ek bada khala hai, ek bahut bada vacuum hai ki jisko pura karne ke liye is millat ko aage aana hoga. Main samajhta hu ki agar aapke paas bahut limited resources hain, आप समाजी खिदमत के और काम नहीं कर सकते हैं तो ना करें, लेकिन खुदा अपने महदूद इदारों से जरा बाहर आइए. आपके अपनी लोकेलिटी में इदारा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा और लोकेलिटीज में आगे आइए, वहां पर भी अपने स्कूल कायम कीजिए, अखलाकी बुनियादों पर और इंसानी बुनियादों पर अपने इदारे कायम कीजिए, ताकि लोग वहां पर आए. जो आ जाए तो फिर वो आपके सच्चे अच्छे मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को लिए सिवा वहां से जा ना सके. एक बहुत बड़ा इम्कान है हमारे वो तमाम जो तालीम याफ्ता हैं, जो बाशऊर हैं, जिनके पास दीन का बहुत अच्छा शऊर है, जिनके पास अखलाकियात है, उनको इस मैदान में आगे आने की जरूरत है. तो एजुकेशन शुड बी फोकस्ड अपॉन, सिर्फ और सिर्फ इस पर तवज्जो आप मरकूज कीजिए. अगर आप मुझ पर थोड़ा भरोसा करते हैं to let me assure you that just concentrate on this field of education which is just vacuum field. hum abhi taleem idara qaim nahi karte hain to ye kehte hain ki humne wahan pa islamic studies ka bhi intizam kar rakha. main isko galat nahi samajhta, theek hai, har log har taleem idara apni khushiyan batata hai, aap bhi bata rahe hain, lekin aisa karte hue kahin aap auron ko ye message to nahi de rahe ki aapke bachche hamare school naam nahi lenge. अगर आपका स्कूल सबके लिए ओपन है तो आप अखलाकियात की बात कर सकते हैं, वैल्यूज की बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों में चाह को डेवलप ना करें, अंडे से अंतिल यू डेवलप अ थर्स्ट फॉर योर टीचिंग्स, यू कैन नॉट प्रोपेगेट योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद द नेम ऑफ इस्लामिक स्टडीज. तो आपको अपना विजन जो है ब्रॉड करना होगा इस सिलसिले में, and we have to concentrate upon quality education. kya wajah hai ke mulk ke tool walls mein nahi balki duniya ke goshe goshe mein christian missionaries ke schools, un schools mein wo log bhi apne bachon ko taleem dilate hain jo apne philosophy ke lihaz se, political philosophy ke lihaz se apne aap ko bahut mushaddad paate hain. they are extremists as far as their political philosophy is concerned. वो रिलीजियसली भी अपने आप को बहुत अटैच महसूस करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में क्यों दाखिला दिलाते हैं? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स क्वालिटी एजुकेशन, एंड मिशनरीज हैव प्रूव्ड विद देयर सिंसियर एफर्ट्स दैट वी मेंटेन क्वालिटी इन आवर स्कूल्स. आप देखिए कि आपके इलाके में भी
आपकी बस्ती में भी अगर कोई मिशन स्कूल अगर आ जाता है तो लोग उसकी तरफ कैसे रुझू करते हैं? Why? Because for the want of quality. So we have to maintain the standards quality. Just go beyond Urdu medium schools. Urdu medium schools, they have got their own importance and relevance. But try to establish English medium schools, Hindi medium schools, and local language as the medium of the schools. क्योंकि तमाम लोग फौरी तौर पर उर्दू मीडियम की तरफ दाखिल हो जाए कोई जरूरी नहीं. तो वॉट एवर अट्रैक्ट्स द पीपल सी एंड गो विद दैट मीडियम देन द सिस्टम शुड बी वैल्यू बेस्ड. और एक मॉडल इस स्टेट ने बहुत पहले से पेश कर रखा, निजाम स्टेट में पहले से एक मॉडल चला कि कॉमन स्कूल हुआ करता था जहां पर मुसलमान गैर मुसलमान सब बच्चे पढ़ते थे. और एक पीरियड ऐसा होता था कि जिसको अखलाकियात का पीरियड कहा जाता था, गए तलबा अखलाकियात का मजमून पढ़ते थे और उस पीरियड में वो तलबा जो ख्वाहिश मंद रहते थे वो दुनिया के लिए जाते थे. सेम मे बी द सेम स्कीम मे बी अडॉप्टेड इवन टुडे, इट्स वेरी मच रेलेवेंट. इस सिलसिले में हमको तवज्जो देने की जरूरत है, एक मैकेनिज्म इवॉल्व करने की जरूरत है. फिर इस सिलसिले में एक बात याद रखें कि जब हम वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं इट डज नॉट मीन दैट इट स्टॉप्स यू टू गो फॉर यूज ऑफ आईसीटी इन योर स्कूल्स. ना आईसीटी से ये सिस्टम रोकता है आपको और ना ही आपको मॉडर्न टेक्निक्स और मेथड्स के इस्तेमाल करने से रोकता है. अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को अपने इदारों में ऐसा महदूद करके रख दिया है कि जो जदीद तहकीकात सामने आ रही हैं, जो क्लियर मेथड सामने आ रहे हैं, जो बहुत खुशगवार किस्म की टेक्निक सामने आ रही है, हमारे स्कूल्स उससे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. जरूरत इस बात की है कि जो भी अच्छा सिस्टम सामने आ रहा है उसको हम अडॉप्ट करें अपने स्कूलों में. इसलिए कि आज तालीम में जबरदस्त किस्म की तब्दीली आ गई, अब वो चौक एंड टॉक रिवायती किस्म का जो मेथड है वो खत्म हो गया. अब जो है बच्चे को जो आप कहते हैं कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, उस लर्नर सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एडॉप्ट किए बगैर कोई चाराकार नहीं है. तो मेरे ख्वाब का अगला मुद्दा यह है कि हमारे तालीमी इदारों में हम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन को प्रैक्टिस में लेकर आए. इस बात को आप अच्छी तरीके से अपनी गिरा में बांध दें कि एजुकेशन इज नॉट अ बाइपोलर प्रोसेस वेरी the child and the teacher are active and others are passive. No. Even it's not a tripolar process, including parents. Nowadays, it is said that education is a hexapolar process. तालीम को आज के जमाने में छह सुतूनी अमल कहा जाता है कि इन छह मजबूत सुतूनों पर तालीम की इमारत खड़े होती है. Students, teachers, parents, management, government and the society, human society as a whole. If you really want to succeed in the field of education, then you have to work upon all these six poles. Because if you make these six poles to be very strong, then only the building of education will become strong. Taleem ki imarat sirf aur sirf aisi surat mein mazboot hogi jab aap in six sutunon par yaksa taur par kaam karein. Zahir hai ke baat karna bahut aasan hai, अमल करने में दुश्वारियां बहुत सारी हैं और मुझे इनका एहसास है. मैं जानता हूं कि किन दुश्वारियों से आप अपने स्कूल चला रहे हैं, लेकिन वाकईतन अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हों, इफ यू वांट टू सी दैट योर ड्रीम्स कम ट्रू थ्रू दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, देन यू नीड टू वर्क अपॉन ऑल दीस सिक्स पोल्स अबाउट व्हिच आई रिफर जस्ट नाउ. जिनका मैंने अभी हवाला दिया उनको रिफर किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. और बहुत सारी बातें मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, मुझे अपने वक्त के लिमिटेशंस का बराबर एहसास है और मैं आपके सामने ये बात अर्ज कर दूं कि ये एक ऐसा मैदान है, तालीम एक ऐसा मैदान है कि इसमें ख्वाब देखना हो सकता है कि बहुत आसान हो, लेकिन ख्वाब को शर्मिले ताबीर करना इतना आसान नहीं है. इट्स रियली अ चैलेंज है और बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन दोस्तों इस चैलेंज को कबूल किए बगैर और कोई चारेकार भी तो नहीं है. हालात ने जहां लाकर हमको छोड़ दिया, इन हालात में तो एक ही सवाल आपकी जबान पर है
कि इस राज को फाश कर ऐ रूहे मोहम्मद, इस राज को फाश कर ऐ रूहे मोहम्मद, कि आयात इलाही का निगेबान अब किधर जाए। हम आप तमाम लोग परेशान हैं कि हालात का ये रुख किधर बह रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको अपने से ज्यादा अपने आने वाली नस्लों की फिक्र है कि उनका मुस्तकबिल कैसे ताबनाक हम बना सकते हैं। ऐसे हालात में जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी ताकतवर, सबसे बड़ा ताकतवर हथियार आपके पास है वो है एजुकेशन। और इस सिलसिले में ख्वाब को बुनना, उसकी एक मंसूबंदी करना, दायरे के एक बड़ी मुनज्जम किस्म की मंसूबंदी की जरूरत है। इसने क्या खूब कहा है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मंसूबंदी में नाकाम रहना वो है नाकामी का मंसूबा बनाना है। तो दूसरी चीज ख्वाब देखने के बाद दूसरी अहम जो चीज है वो ये कि हमको एक जबरदस्त किस्म का मंसूबा बनाना पड़ेगा। और जब भी हम मंसूबे की बात करते हैं तो आमतौर पर बैनर पे आ जाता है ऑल इंडिया, ऑल इंडिया लेवल। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया लेवल पर कितने ही मंसूबे बनते हैं और बिगड़ते हैं, उनकी ताबीर देखने वाला कोई नहीं। और हम सब मुंतजर रहते हैं कि हमारा नेशनल कैडर और हमारा मरकज क्या कर रहा है, और वहां से जो गाइडलाइंस आएंगी हम उस पर अमल करेंगे। बहुत अच्छी बात, यू आर गुड फॉलोअर्स, गुड। बट द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ योर एरिया, योर डिस्ट्रिक्ट एंड योर प्लेस इज समथिंग डिफरेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज पर द नीड ऑफ योर एरियाज। कि आपके एरिया में, आपके इलाके में, आपके देहात में, आपके तालुके में, आपके मंडल में, आपके शहर में और आपके जिले में, आपकी रियासत में इस तरह के इदारों की जरूरत है, आपको उन जरूरियात का ख्याल रखते हुए अपने इदारे कायम करना पड़ेगा। और ये जो ख्वाब के निकात मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर आपने इन ख्वाब के निकात पर वाकदन इनको रंग भरने की कोशिश की तो फिर जो सिचुएशन पैदा होगी, जो इस्लामी तालीमात से पूर्ण उला के अवलिन दौर में भी पैदा हुई थी, उसकी एक झलक दिखाते हुए मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं कि निशापुर, आप तमाम लोगों ने निशापुर का नाम ताजिकिस्तान में सुना है। निशापुर में एक देहात था, उसका नाम था गजाला, बड़ा खूबसूरत नाम। गजाला नाम के उस गांव में 9 साल का एक लड़का तालीम से बड़ी जस्तजू, बड़ी फिक्रमंदी, बड़ी दिलचस्पी, लेकिन तालीम का कोई मौका और कोई जरिया वहां पर नहीं था। ऐसे में उसको मालूम होता है कि एक उस्ताद मोहतरम 6 मील दूर से रोज आना, घोड़े पर सवार होकर यहां आते हैं और यहां के रईस के बच्चों को पढ़ा कर जाते हैं। उस बच्चे के अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा हुई, उस बच्चे के अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं उस्ताद मोहतरम से इल्म हासिल कर सकूं। जाहिर है कि उसके पास ना वो माली हैसियत थी, ना उसके पास कोई वसीला था, ना सियासी असर रसूख था। वो उस्ताद मोहतरम से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता तो अपने अल्फाज से करता। उसने कहा कि अगर आप उस्ताद हैं तो मैं नाम शागिर, इफ यू आर अ टीचर देन आई एम द स्टूडेंट, यू प्लीज एड्रेस मी दिस वर्ड स्टूडेंट। तुमने कहा ठीक है, अच्छा तुम शागिर्द हो तो शागिर्द बताओ, तुम क्या चाहते हो बस। तो कहा कि उस्ताद मोहतरम आप रोजाना यहां आते हैं, कहा मैं रोजाना आता हूं। कहा कि आप पढ़ाने के लिए आते हैं, तो कहा कि हाँ पढ़ाने के लिए आता हूं। फिर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपसे पढ़ सकूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपसे पढ़ सकूं। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं मुलाजिम आदमी हूं और ये जो रईस जिनके घर में आता हूं उनका मुलाजिम हूं, आता हूं, पढ़ाता हूं, जाता हूं, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमको मैं अलग से वक्त दे सकूं। गोया एक तरह से उन्होंने इनकार में जवाब दिया कि नहीं, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता। बच्चे ने कहा कि उस्ताद मोहतरम इसका भी हल है मेरे पास। उस्ताद ने कहा क्या हाल है बेटा बताओ। कहा कि अरे उस्ताद मोहतरम, मेरे पास चंद सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन सवालात को आपके सामने करूं, आप घोड़े पर बैठे बैठे जाते जाते मेरे सवालात के जवाब देते जाए। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात, ऐसा हो सकता है? मैं आई कम बैक एंड आई स्टार्ट टू माई प्लेस, यू आस्क मी द क्वेश्चंस एंड आई आंसर योर क्वेश्चंस। अब जनाब उस दिन वापसी में बच्चे ने सवाल शुरू किया, उस्ताद ने जवाब देना शुरू किया। पहला सवाल
दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, सवाल पर सवाल और सवाल पर सवाल, 6 मिनट का फासला तय हो गया। तालिबे के सवाल तब नहीं हुए तो उस्ताद को मजबूरन कहना पड़ा कि बेटा बाकी कर। अगले दिन और फिर अगले दिन 6 साल तक मुसलसिल ये सिलसिला चला। आप ताज्जुब कर रहे होंगे रतला के उस गांव के इस वाके पर, मगर ताज्जुब की कोई बात नहीं है कि जब इस तरह की तड़प पैदा हो जाती है इनके लिए, ऐसी लगन पैदा हो जाती है, तो फिर उसी गजाला नाम के गांव से एक इमाम पैदा होता है। वही लड़का एक इमाम बन जाता है जिसका नाम इमाम गजाली है। समाजी हालात जैसे हों, हम अपने हर बच्चे में, मिल्लत के हर बच्चे में इमाम गजाली को इल्म उनके अंदर मौजूद थी, इल्म के लिए तड़प उनके अंदर मौजूद थी, हम अपने बच्चों के अंदर इमाम गजाली की उस तड़प को पैदा करते। अगर आपने ये वादा कर लिया मुझसे कि इंशाल्लाह ताला चाहे कुछ हो हम अपने बच्चों के अंदर गजाली की रूह और गजाली की तड़प पैदा कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस ख्वाब को शर्मिंदा काबिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वाकई कामना। अस्सलाम वालेकुम।